दोस्तों नमस्कार, शर्कैलाद विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और लीजिए यह चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी की प्रश्नोत्तरी, जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे और इनके जवाब आपको देने हैं। और इसके बाद में आप कमेंट्स करके बताएंगे कि आपके कितने जवाब सही है। तो लीजिए पहला क्वेश्चन, इन मनोवैज्ञानिक में से किसने दो आयामों अंतर्मुखी और बहिर्मुखी के आधार पर एक व्यक्तित्व का एक सिद्धांत विकसित किया है? सिगमंड फ्रायड, कार्ल यंग, एरिक फर्म और हैंस आइसेक। और इसका सही जवाब है हैंस आइसेक। क्वेश्चन नंबर दूसरा, एसईएन शेन का पूर्ण रूप है स्पेशल इमोशनल निगोशिएशन, सोशल एजुकेशन नीड्स, स्पेशल एजुकेशन नीड्स और स्पेशल और एक्सेप्शनल नीड्स। और इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा सोशल एजुकेशन नीड्स। जो हमारा सोशल है एजुकेशन नीड्स, वह एनी एसईएन का पूर्ण रूप है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, बाल केंद्रित शिक्षा की आवश्यकता मुख्यतः निम्न कारण से बढ़ गई है। माता पिता के पास अपने बच्चों के लिए समय नहीं है इसके कारण, या माता पिता कम योग्य हैं इसके कारण, या फिर शिक्षकों की बेहतर योग्यता है इसके कारण, या शिक्षक संपूर्ण विकास के लिए अधिक सुसज्जित है इसके कारण। और सही जवाब हो जाएगा शिक्षक संपूर्ण विकास के लिए अधिक सुसज्जित है। क्वेश्चन नंबर चौथा, जिन लोगों को आर्थिक स्थिति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, उन्हें एक विशेष खाली स्थान से संबंधित रूप में जाना जाता है, एथनिक ग्रुप, धर्म, वर्ग और जाति। और हमारा सही जवाब हो जाएगा वर्ग। क्वेश्चन नंबर पांचवा, शिक्षण की एक विशेष पद्धति की धारणा शिक्षार्थियों के बीच भिन्न है, क्योंकि वे सीखना नहीं चाहते हैं, उन्हें विषय की पसंद नहीं है। धारणा शिक्षार्थियों के पर्यावरण पर निर्भर है जिसके आदि हैं। और चौथा, उनमें से कुछ शिक्षक को पसंद नहीं करते। और सही जवाब हो जाएगा हमारा कि धारणा शिक्षार्थियों के पर्यावरण पर निर्भर है उस जिसके आदि हैं। क्वेश्चन नंबर छः, यौवन के दौरान होने वाला प्राथमिक परिवर्तन क्या है? मनोवैज्ञानिक परिपक्वता है, सामाजिक परिपक्वता है, संज्ञानात्मक परिपक्वता है, यौन परिपक्वता है। और सही जवाब हो जाएगा हमारा यौन परिपक्वता है। क्वेश्चन नंबर सात, देखिए, किस उम्र में नवजात शिशु माँ की आवाज को पहचानता है? जन्म से, 3 महीने से, 6 महीने से, 9 महीने से। और सही जवाब हो जाएगा जन्म से ही शिशु अपनी माँ की आवाज को पहचानने लगता है। क्वेश्चन नंबर आठ, बीसवीं जो शताब्दी है उसके मध्य में एक विकास सिद्धांतकार कौन था जो बच्चों के नैतिक विकास के अपने विशिष्ट और विस्तृत सिद्धांत के लिए जाना जाता है? लॉरेंस कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, पियाजे और एरिक्सन। और सही जवाब है लॉरेंस कोहलबर्ग जो है, वह आप जानते हैं कि नैतिकता विकास के नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किसने प्रभाव का नियम प्रतिपादित किया? स्टर्नबर्ग ने, फ्रॉम ने, थॉर्नडाइक ने या बंडूरा ने? और सही जवाब है थॉर्नडाइक ने। क्वेश्चन नंबर 10, पहला बुद्धिमत्ता परीक्षण किसने विकसित किया? कौन सा परीक्षण है? बुद्धिमत्ता परीक्षण। ब्रिनेट और बर्नर ने, ब्रिनेट और सिमोन ने, गोडार्ड और टर्मन ने, गोडार्ड और वेचसल लेर ने? और सही जवाब हो जाएगा हमारा यह है विनेट और सिमोन ने। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए आप कि भारत में आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से दी जाने वाली पूर्व प्राथमिक शिक्षा खाली स्थान के अंतर्गत आती है? सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय? और सही जवाब है महिला और बाल विकास मंत्रालय। जो आंगनवाड़ी केंद्र है वो महिला बाल विकास के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए, गहन चिंतन होता है निम्न का एक पहलू है, पक्षपात का पहलू है, तर्क का है, विश्वास का है, भावना का है? सही जवाब तर्क का है।
क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि शिक्षण की गुणवत्ता का निर्णय निम्न पर निर्भर करता है। जो शिक्षण है उसकी गुणवत्ता किस पर निर्भर होती है? संबंधों को विकसित करने पर, जानकारी की प्राप्ति पर, अनुशासन पर, छात्रों के समग्र विकास पर। और सही जवाब हो जाएगा छात्रों के समग्र विकास पर। क्वेश्चन नंबर 14 संक्षिप्त शब्द जो है ADHD निम्न को दर्शाता है। ध्यान अभाव अति संवेदनशीलता विकार को, ध्यान अभाव सक्रियता विकार को, सक्रिय अभाव असक्रियता विकार को, आक्रामकता अभाव सक्रियता विकार को। और सही जवाब हमारा हो जाएगा ये ध्यान अभाव सक्रियता विकार को। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित में से क्या ध्यान यानी अवधान का एक आंतरिक कारक नहीं है? ध्यान और अवधान जो है उसे एक ही शब्द में लिया गया है, वह एक ही शब्द है। रुचि में, तीव्रता में, पूर्व धारणा में या प्रेरणा में? और सही जवाब हो जाएगा हमारा यहाँ पर तीव्रता में। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कोहलबर्ग, आप जानते हैं मनोवैज्ञानिक को, कोहलबर्ग अपने नैतिकता के सिद्धांत में निम्नलिखित कारकों में से किस पर ध्यान केंद्रित किया? परिवार प्रभुत्व पर, संज्ञानात्मक विकास पर, संस्कृति पर और लिंग भेद पर? और सही जवाब हो जाएगा हमारा संज्ञानात्मक विकास पर। क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित में से क्या सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जो सतत और व्यापक मूल्यांकन है उसकी बात कर रहे हैं, उसका उद्देश्य नहीं है? शिक्षण अधिगम परिस्थितियों की योजना तैयार करना, बच्चे की प्रगति को विभिन्न हित धारकों को बताना, बच्चे के अधिगम और विकास में परिवर्तनों का मानचित्र बनाना, या फिर विद्यार्थियों के मन में भय पैदा करना ताकि वे बेहतर प्रदर्शन कर सके? और इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि विद्यार्थियों के मन में भय पैदा करना ताकि वे बेहतर प्रदर्शन कर सके। क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित में से कौन सा ड्रग उपयोग के लिए जोखिम कारक नहीं है, जिसके लिए माता पिता प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी ठहराए जाएं? यानी कौन सा जो ड्रग है, मेडिसिन है, जो जोखिम भरा नहीं है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? बाल्यावस्था लापरवाही, दुर्व्यवहार, सहकर्मी अस्वीकरण, अनुवांशिक विरासत? और सही जवाब है सहकर्मी अस्वीकरण। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, एक बच्चे को ज्ञात होता है कि चार पैर वाला जानवर जो कि हिनहिनाता है, कुत्ते के मौजूदा आकार में फिट नहीं हो सकता है। इस नई जानकारी को इस आकार में फिट करने के लिए वह कौन सी प्रक्रिया अपनाएगा? असंतुलन की, समायोजन की, आत्मसात की या समस्थिति की? और सही जवाब है समायोजन की। क्वेश्चन नंबर 20, एक बच्चे को आज की परीक्षा के लिए याद किए गए हिंदी अक्षरों को स्मरण करना, उसके द्वारा कल सीखे लिखे गए कन्नड़ परीक्षा के कारण कठिन लगता है, इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? प्रश्नोमुखी अवरोध, प्रगति प्रतिगामी अवरोध, अग्रगामी अवरोध या अग्रोन्मुखी अवरोध? और सही जवाब हो जाएगा अग्रोन्मुखी अवरोध। क्वेश्चन नंबर 21, वायगोत्स्की के अनुसार बच्चे की भाषा और विचार खालिस्थान विकसित करते हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र होकर बाद में आपस में सम्मिलित हो जाते हैं, दूसरा एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, तीसरा सभी संस्कृतियों पर समानता से, चौथा बच्चे के विकास के साथ? और सही जवाब है एक दूसरे से स्वतंत्र होकर बाद में आपस में सम्मिलित हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, जो माता पिता बहुत सारे नियम बनाते हैं लेकिन अपने बच्चे को नियमों का पालन करने के लिए सहायता करते हैं, खालिस्थान का अनुसरण करते हैं, यहाँ कौन सा अनुसरण करते हैं? असंबंध पालन का, अनुमोदन पालन का, पालन पोषण का, आधिकारिक पालन पोषण का, अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग जिसे कहते हैं, और अधिकारवादी पालन पोषण का? और इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा आधिकारिक पालन पोषण अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग का। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए, खालिस्थान कार्य करने और एक लक्ष्य की ओर बढ़ने की इच्छा है, दृढ़ता, साहस, प्रेमता और धैर्य? और सही जवाब हो जाएगा प्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित सिद्धांतकार जो हैं उनकी बात की जा रही है, तो इनमें कौन सा सिद्धांतकार में से कौन अधिगम की प्रक्रिया में वर्गीकरण के महत्व पर जोर देते हैं? कोहलबर्ग, बंडूरा, बर्नर और पावलो? और सही जवाब हो जाएगा इसमें हमारा बर्नर। क्वेश्चन नंबर 25,
विज्ञान में समस्या आधारित शिक्षा, जो शिक्षा होती है विज्ञान की बात कर रहे हैं, जिसमें समस्या आधारित शिक्षा शिक्षार्थियों की मन की वैज्ञानिक आदतों को प्रोत्साहित करती है। इनमें से कौन सा विकल्प समस्या आधारित सिद्धांत सीखने के कुछ दिशा निर्देशों का उचित वर्णन करता है? पढ़ना, लिखना, सुनना, मल्टीमीडिया का उपयोग करके चर बनाकर विचारों को समझना, प्रश्न पूछना, एक परिकल्पना का निर्माण करना, बार बार परीक्षण करना। चौथा, चर्चा, निश्चित संख्या में परीक्षण, सहकारी शिक्षण। और यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा हमारा प्रश्न पूछना, एक परिकल्पना का निर्माण करना और बार बार परीक्षण करना। क्वेश्चन नंबर 26, अवधान विस्तृति को मापने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला उपकरण खाली स्थान है। टेलीस्कोप या फिर माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप या एपिडियास्कोप। और सही जवाब हो जाएगा हमारा टेलीस्कोप। क्वेश्चन नंबर 27, पहचान, अहम, परा अहम, यानी सुपर ईगो, जिसे हम ईगो, ईगो, सुपर ईगो, इद अहम की जो भावना होती है उसकी बात की जा रही है। तो सुपर ईगो निम्न में से किसके द्वारा स्थापित किए गए हैं? मास्लो, पावलो, यंग और फ्राइड। और सही जवाब हो जाएगा हमारा फ्राइड। क्वेश्चन नंबर 28, प्रेरणा के सिद्धांत में कहता है कि पुरस्कार से व्यक्ति कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। दूसरा, प्रत्येक व्यक्ति में जरूरतों का एक पदानुक्रम होता है। तीसरा, किसी व्यक्ति में वह बनने की इच्छा होती है जो वह बनने में सक्षम है। चौथा, अभिप्रेरणा परिणाम की इच्छा पर निर्भर करता है। और यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा हमारा अभिप्रेरणा परिणाम की इच्छा पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 29, समावेशी कक्षा में पढ़ना, शिक्षकों पढ़ाना, जो समावेशी कक्षा उसमें पढ़ाना शिक्षकों के लिए चुनौती है और इसमें निश्चित रूप से खाली स्थान की आवश्यकता है, प्रवृत्ति की, प्रतिभा की, दक्षता की और अभ्यास की। और सही जवाब हो जाएगा दक्षता की। और यह आखिरी क्वेश्चन है 30वां, खाली स्थान को वैचारिक परिवर्तन प्राप्त करने में प्रभावी पाया गया है। पाठ आधारित अध्ययन प्रणाली, प्रयोगशाला, डिस्कवरी, अधिगम, विसंगति का पता लगाना। और सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर विसंगति का पता लगाना। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।